कोई है? कोई है? कोई है क्या? बाबूजी, मेरा नाम सुधीर है। मुझे माधोपुर जाना है और मैं रास्ता भटक गया हूँ। माधोपुर? अरे बाबूजी, माधोपुर तो मेरा गांव भी है। मैं माधोपुर की तो हूँ। अच्छा? हाँ बाबूजी, माधोपुर कोई 20 कोस की दूरी पर है, लेकिन बीच में गंडक नदी पड़ती है, लेकिन शायद गंडक नदी का पुल टूटा हुआ है। बाबूजी, रात बहुत हो गई है, आपको कोई नाम नहीं मिलेगी। अब तुम कौन हो? मेरा आदमी आने वाला है बाबूजी, वो पुल बनाने की कंपनी में काम करता है। तो फिर अब मैं क्या करूं? बाबूजी, आप ऐसा करिए, यहाँ से 5 मील की दूरी पर एक डाक बंगला है, आप वहाँ चले जाइए। हाँ, ये ठीक है। एक बात बताओ, इतनी बरसाती तूफानी रात है, बिजली कड़क रही है, तुम अकेली हो, तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे और डर? कौन? क्या बात है साहब? देखो, मैं एक सरकारी आदमी हूँ, मुझे माधोपुर जाना है, लेकिन इस बरसात और तूफान की वजह से आज वहाँ नहीं जा सकता हूँ। मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है साहब, आइए आइए, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। अरे मैम साहब, आप गाड़ी में क्यों बैठी हैं? अंदर आइए। अच्छा मैम साहब, आप रुकिए, मैं छाता लेकर के आता हूँ। अरे चौकीदार, किससे बातें कर रहे हो? अरे साहब, आपकी पत्नी से, जो गाड़ी में बैठी हैं। मेरी पत्नी? हाँ। कहाँ? अरे वो क्या, देखिए, अरे साहब, अभी तो गाड़ी में बैठी थी।
चौकीदार, मैं यहाँ अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। साहब, लगता है मेरी आंखों को धोखा हुआ है। अच्छा आप चलिए, मैं आपका सामान लेकर के आता हूँ। अरे नहीं, सामान तुम जब बरसात थोड़ी कम हो जाए तब ले आना, अभी मुझे एक कप चाय पिला दो। अच्छा ठीक है। अजीब बात है, अभी तक देखा। ये क्या कर रही हो तुम? और तुम यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ कैसे आ गई? अरे साहब, ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ रहती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये तो डाक बंगला है। डाक बंगला? सुनो, मैं यहाँ आया कैसे? साहब, आप कहीं गए नहीं थे, आप आराम कीजिए, मैं फिर आऊंगी। रुको, क्या कौन है ये लड़की? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या बात है साहब? रुपचंद, वो कुछ नहीं, अजीब साहब है। साहब जी, उठिए साहब जी, सुबह हो गई है, चाय पी लीजिए। उठिए साहब जी, आप कब तक सोएंगे? देखिए सूरज सर पर आ गया है, लीजिए चाय पी लीजिए। चलिए चाय पी लीजिए। मैं फिर से यहाँ कैसे आ गया? आप यहाँ कल रात से ही हो। तुम कौन हो तुम और क्यों मुझे परेशान कर रही हो? साहब जी, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, पहले चाय पी लीजिए। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी चाय। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है? हाँ?
अरे चाय का कप टूट गया। अरे रे रे, ये क्या कर दिया साहब आपने? ये चाय है हम आपके लिए लेकर आए थे और आपने कभी तोड़ दिया। I'm sorry। होता है साहब, होता है। एक बात बताएं साहब, आप दिल के बड़े कमजोर इंसान हैं। आप अकेले जो है ना, घर से बाहर मत निकला कीजिए। अरे नहीं रूपचंद, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना I'm sorry, तुम्हारा जो भी नुकसान है मैं भर दूंगा। ठीक है साहब, ठीक है, हम दूसरी चाय आपके लिए बना के लाते हैं। नहीं, तुम ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ। कहाँ साहब? वहीं, जहां से मैं इस बंगले का पता लेकर आया था। साहब क्या बात है साहब? रूपचंद यहाँ पर एक झोपड़ा था, कहाँ गया वो? साहब आपको ठीक से याद है कि ये वही जगह है? हाँ रूपचंद, मुझे अच्छी तरह से याद है। रात को जब मैं आया तो बरसात हो रही थी और वो देखो रूपचंद, ये देखो मेरी गाड़ी के टायर के निशान। अब तो मानते हो ना कि मैं यहाँ आया था और झोपड़ी यहीं थी? साहब साहब एक काम करिए, आप चलिए यहाँ से। क्या हुआ रूपचंद? अरे साहब चलिए। अरे क्या हुआ? अरे चलिए यहाँ से। सुनो रूपचंद, अरे रुको, चलिए रूपचंद, चलिए यहाँ से। रुको रूपचंद, तुम मुझे वहां भी कुछ बताने वाले थे लेकिन तुमने बताया नहीं। तुम इतने डरे हुए क्यों? बताओ मुझे। साहब गांव वालों में बातें होती रहती है साहब। यहाँ यहाँ एक लड़की की आत्मा रहती है साहब। वहां एक झोपड़ा था, अचानक उसमें एक दिन आग लग गई, झोपड़ा जल के राख हो गया और उसमें से एक हड्डियों का ढांचा मिला साहब। साहब वहां भूल के मत जाइएगा साहब, भूल के भी मत जाइएगा। रूपचंद ये सब बकवास है, ऐसी कोई बात नहीं होती। खैर तुम मुझे ये बताओ कि माधोपुर में मुझे रहने के लिए कोई अच्छी जगह मिलेगी? वो तो छोटा सा गांव है साहब, आपको जब तक रहना है यहाँ रह लीजिए। वैसे माधोपुर पास में ही है, सुबह जाके शाम तक लौट आ सकते हैं। ठीक है साहब। वैसे आप करते क्या है? रूपचंद मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ। हम लोग मिट्टी की जांच करते हैं। यहाँ माधोपुर और उसके आसपास की जमीन में तेल का भंडार है। अगर ये बात सच हुई तो तुम्हारे माधोपुर की तो काया ही बदल जाएगी, स्वर्ग बना देंगे तुम्हारे माधोपुर को। अच्छा साहब, माधोपुर जाने के लिए गंडक नदी पार करनी पड़ती है। आप जाके नहावा के तैयार हो जाइए, तब तक मैं नाश्ते का इंतजाम कर देता हूँ। ठीक है। ठीक,
सुनो, तुम मुझे माधोपुर ले जाओगी? हाँ साहब जी, क्यों नहीं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं माधोपुर गांव की हूँ। मुझे बता चुकी हो? आपने कहा था ना कि आपको माधोपुर जाना है। तभी तो मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। तुम कौन हो तुम? साहब पहले नदी तो पार करा दूं, फिर आराम से बातें करेंगे। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। बाबूजी, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। बाबूजी रुकिए, बाबूजी सुनिए तो सही। रूपचंद, रूपचंद! अरे क्या बात है साहब, आप वापस क्यों आ गए? माधोपुर नहीं गए? रूपचंद, गंडक नदी की जिस नाव में मैं जाने वाला था उसे एक लड़की चला रही थी। ये वही लड़की है जिसे मैं अपने सपने में कई बार देख चुका हूँ। साहब, साहब कहीं आप उस आत्मा की लड़की की बात तो नहीं कर रहे? अरे रूपचंद, ये तुम क्या आत्मा की बात कर रहे हो? मैं आत्मा आत्मा को नहीं मानता हूं। यह कोई और ही चक्कर है, लेकिन अभी इस चक्कर को समझने का वक्त नहीं है मेरे पास। देखो रूपचंद, मेरा आज माधोपुर पहुंचना बहुत जरूरी है। परसों मुझे वहां अपनी रिपोर्ट तैयार करके देनी है। मेरे ऑफिस के लोग और मेरा असिस्टेंट वहां पहुंच चुका होगा। तो चलिए साहब, हम आपको पहुंचा देते हैं माधोपुर। आओ गाड़ी में बैठो। तो कोई नहीं है, वो लड़की यहीं कहीं होगी। तुम आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। चलिए। देखो रूपचंद, यही है वो नाव और वो लड़की भी यहीं थी। कहाँ जाना है साहब? हमें माधोपुर जाना है। चलिए मैं आपको नदी के उस पार ले चलता हूँ। सुनो भैया, कुछ देर पहले इस नाव को एक लड़की चला रही थी ना? लड़की? साहब यहाँ तो कोई लड़की नहीं थी, कितने सालों से ये नाव मैं ही चला रहा हूँ। आइए साहब, मैं ले चलता हूँ, बैठिए। चलो रूपचंद। ये देखो, ये हो गया तुम्हारा काम। ये हो गया तुम्हारा काम। अब इसके बाद हमें जो करना है। सर ये रहा वो मैप। हाँ, लाइए। ओ वेरी गुड। इस जगह पे हमें अपना काम करना है। जी सर। जैसे सर आ जाते हैं हम। ओ सर आ गए। हेलो सर। हेलो भार्गव, कहाँ रह गए थे? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा होता मैं कल तुम लोगों के साथ आ जाता। अच्छा ये बताओ कि कुछ काम शुरू किया तुम लोगों ने? हाँ सर, आइए ना, हमने दो तीन जगह पे मार्किंग की है। सर नमस्ते। हेलो एवरीबॉडी। सर जैसे कि यहाँ पे हमने किया पहली मार्किंग, दूसरा यहाँ पे, ये, हाँ इस तरह, गुड, ओके, और ये खास है, गुड, यहाँ पे, गुड वर्क। अभी थोड़ी देर में तो शाम हो जाएगी, तो काम कल से शुरू करते हैं। ठीक है सर। ओके, सी यू टुमारो।
घर है, मैं यहाँ रहती हूँ। आप यहाँ कल रात से ही हो। साहब, तभी तो मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। ये लड़की यहाँ कैसे? क्या हुआ साहब, क्या बात है? रूपचंद, ये वही लड़की है जिसे मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ। अरे साहब, ये गांव के लोग हैं, मंदिर की तरफ जा रहे हैं, मतलब किसी की शादी होने वाली है लगता है। तुम यहीं ठहरो, मैं इस लड़की से बात करके आता। अरे नहीं साहब, ये गाँव है और लड़की का मामला है। ये गाँव वाले अपनी इज्जत के लिए जान दे भी देते हैं और जान ले भी लेते हैं। ठीक है, मैं इस लड़की के माँ बाप से कुछ बात करता हूँ। सर, सर क्या बात है? सर क्या बात है? भार्गव, ये एक मिस्ट्री है जिसे मैं 2-3 दिन से सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी की वजह से मुझे यहां आने में देर भी हो गई। खैर, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। सर अगर ऐसी कोई बात है तो यहां जो मुकदम है वो इसी गांव का है और थोड़ी देर में आ जाएगा वो। ये ठीक है, मुझे उससे कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। हाँ सर, एक और बात, यहाँ गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उस स्कूल की ऑफिस में हम लोग सब वहाँ रह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वो तुमने यहाँ काम किया है उसकी रिपोर्ट मुझे दे दो। ठीक है। साहब शाम होने वाली है, उससे पहले मुझे नदी पार करनी है, जाऊं मैं? ठीक है रूपचंद, तुम जाओ। अच्छा, वो मेरी गाड़ी नदी के पार खड़ी है, उसका ध्यान रखना। साहब आपको यहाँ रहने में तकलीफ होगी, काम उम निपटा करके शाम को आ जाइएगा। ठीक है। जयराम जी की। जयराम जी की। सर फाइल। सर मैं उस मुकादम को देखता हूँ। हाँ तुम ठीक उसे बुला के लाओ। ओके सर। देखो, अब तो तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुम कौन हो और
तुम मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रही हो? आज शाम को भी मैंने तुम्हें गांव वालों के साथ मंदिर की तरफ जाते हुए देखा था, और अब तुम यहाँ हो। बाबूजी, वो मैं नहीं, मेरी छोटी बहन निर्मला है। देखो, झूठ मत बोलो, तुम पहले ही मेरा बहुत समय बर्बाद कर चुकी हो। बाबूजी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, वो मेरी छोटी बहन निर्मला है जिससे शादी होने वाली है। मैं उसकी शादी रुकना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि इसमें आप भी मेरी मदद करें। देखो, मैं यहाँ माधोपुर एक सरकारी काम से आया हूँ, और वैसे भी ये शादी ब्याह का मामला गांव वालों का जाती मामला है, इसे मेरा क्या लेने देना है। देखो, मैं इस तरह के मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं यहाँ माधोपुर एक सरकारी काम से आया हूँ, तुम मुझे परेशान करना प्लीज बंद कर दो। सर, क्या करें आप? भार्गव, तुमने अभी यहाँ पर किसी लड़की को देखा था ना? लड़की? हाँ? सर, आप तो यहाँ पे अकेले खड़े हैं। अकेले? सर, वो मुकदम आ गया है। ठीक है, चलो चलिए। सर, ये है मुकदम। नमस्ते साहब। नमस्कार, थैंक यू भार्गव। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ओके। हाँ मुकदम, हाँ मुकदम, बैठो। मुकदम, आज शाम को मैंने गांव में एक बारात को जाते हुए देखा। उस बारात में जिस लड़की की शादी हो रही थी, मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ साहब जी, अभी कुछ देर पहले जो लोग मंदिर की तरफ गए ना, वो मुखिया विलास महतो की बेटी निर्मला और उसका होने वाला पति सुखबीर के साथ गांव के बाहर कुलदेवी जी के मंदिर गए हैं, ब्याह के पहले की कुछ रस्में निभाने हैं। इसका मतलब विलास महतो की बेटी निर्मला को इस वक्त मंदिर में होना चाहिए? होना चाहिए? अरे साहब जी, वो तो वही होगी। नहीं मुकदम, अभी कुछ ही देर पहले वो यहाँ खड़ी होकर मुझसे बातें कर रही थी। क्या वो आपके साथ बात कर रही थी? हाँ, बात क्या है साहब जी? फिर तो वो जरूर कमला होगी। कमला? हाँ साहब जी, क्या बताऊं, विलास महतो की दो बेटियां हैं, बड़ी कमला है जो कुछ दिन पहले ना जाने कहां अपना मुंह काला करके भाग गई। साहब जी, मैं विलास महतो को बोलकर आता हूँ। मुकदम, अरे आराम से, उठिए उठिए। अरे मुकदम, तुम्हारा तो खून निकल रहा है, तुम अचानक गिर कैसे गए? क्या बताऊं साहब जी, एक लड़की का हाथ आया और उस हाथ ने मेरे पैर को इतनी जोर से खींचा, इतनी जोर से घसीटा कि मैं बुरी तरह से गिर गया। मैं इसे नहीं जाने दूंगी बाबूजी, मैं इसे नहीं जाने दूंगी, मैं इसे नहीं जाने दूंगी बाबूजी, छोड़ूंगी नहीं उसे। बाबूजी, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं इसे रोकूंगी बाबूजी, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। इसने मुझे ही गाली दी है बाबूजी, इसने कहा कि मैंने अपना मुंह काला किया है। सर, क्या हुआ? सर, हुआ क्या है? मुकदम अचानक गिर पड़ा। कोई बात नहीं सर, मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स है, मैं इनकी मलम पट्टी कर देता हूँ। हाँ, आइए, इन्हें ध्यान से ले जाओ, इन्हें ध्यान से ले जाओ। जी।
बाबूजी। कौन है बाबूजी? बाबूजी कौन है? कौन है? क्या चाहती हो मुझसे? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? कौन है? कौन है? कौन हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? सामने क्यों नहीं आती? गांव वाले सही कहते हैं, तुम अपना मुंह काला करके भाग गई हो। ये बिल्कुल झूठ है बाबूजी। कमला अपना मुंह काला करके नहीं भागी थी, यह अफवाह जानबूझकर उड़ाई गई है। यह अन्याय जो मेरे साथ हुआ है, मैं उसे अपनी बहन निर्मला के साथ कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बहन निर्मला की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी बाबूजी। मैं उसकी जान बचाना चाहती हूँ। तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं, आबाद हो रही है। वो शादी कर रही है। नहीं बाबूजी, निर्मला की शादी जिसके साथ हो रही है वो एक खूनी है, एक हत्यारा है। हत्या? किसकी हत्या की है उसने? मेरा। हत्या? तुम्हारी हत्या? हाँ बाबूजी, मैं कमला नहीं, कमला की आत्मा हूं। मैं कमला नहीं, कमला की आत्मा हूं। आत्मा? हाँ बाबूजी, मुझे मरे हुए कुछ दिन हो गए, और आज आज जब इन लोगों को गाते बजाते हुए कुलदेवी मंदिर के पास जाते हुए देख रहे हैं ना, ये सारी रस्में मेरे साथ भी निभाई गई थी। मैं और मेरी बहन निर्मला, हम दोनों जुड़वा बहने हैं। वो मुझसे उम्र में केवल एक घंटा छोटी है बाबूजी। हमारे पिताजी ने हमें बड़े लाड़ प्यार से पाला था, हमने उन्हें कभी अफसोस करते हुए नहीं देखा कि उनकी केवल दो बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है। हमारी शादी को लेकर उनके मन में बड़े बड़े अरमान थे बाबूजी। उनके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन हाँ मान सम्मान जरूर था। एक दिन इसी गांव का एक आदमी जिस शहर में काम करने गया, सुखबीर के साथ मेरे पिताजी से मिलने आया। राम राम मुखिया जी। अरे जगपाल आओ बेटा, आओ 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 भाई सुखबीर, आओ आओ बैठो बैठो। पाए लागू मुखिया जी। अरे जियो बेटा जियो। अरे तुम तो अपने गांव को भूले ही गए बेटा, अपने परिवार को लेकर शहर में जाके रहने लगे। क्या करें मुखिया जी, अब जहाँ दाना पानी लिखा होता है वहीं आदमी जाएगा ना। लेकिन तुम्हारा मुँह हमको इस गांव में फिर खींच लाया। और इनसे मिलो, ये हमारे मित्र सुखबीर हैं, शहर में बहुत बड़ा ठेकेदारी का धंधा है। नमस्ते मुखिया साहब। और बोलो कैसे आना हुआ? मुखिया जी सच पूछो तो यहाँ आने का कारण एक ही है, सुखबीर की शहर में ब्याह की बात चल रही थी तो मुझे अपने घर का ख्याल आ गया, कमला बहन का चेहरा याद आ गया, मैंने सुखबीर से बात की और से लेकर सीधा यहाँ चला आया। अब जॉन आपको लड़का पसंद हो तो आगे खुद ही बात कर लो ना। वाह जगपाल, शहर जाकर भी अपनी कमला बहन की शादी का ध्यान तुम्हें रहा, ये बहुत खुशी का बात है। अरे काहे नहीं मुखिया जी, कमला हमारी बहन है ना। अरे मैं भी कमला की शादी के लिए बहुत रिश्ते ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा है। अब मुझे क्या पता था कि अपनी कमला के भाग में शहर जाना लिखा है। अब देखो बेटा सुखबीर, जो बताना जरूरी है जरूरी है। अरे मैं तो इस गांव का एक मुखिया हूँ,
कोई बहुत बड़ा जमींदार नहीं हूँ, एक साधारण सा किसान हूँ बेटा। लेकिन अपनी बेटियों को मैंने बड़े जतन से पाला है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी बड़े घर में ब्याही जाए, सुखी रहे। ये तो मेरी भी इच्छा है बेटा, लेकिन दान दहेज में देने के लिए मेरे पास बहुत सारा रुपया नहीं है बेटा। देखिए मुखिया जी, वो लोग बड़े कमीने होते हैं जो घर में रिश्ता करके रिश्ते के पैसे वसूलते हैं। मेरे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बाबूजी। अरे कमला बेटी आओ। अरे जगपाल भैया आप कब आए? बस अभी अभी चला रहा हूँ शहर से, इनसे मिलो, ये सुखबीर हैं। नमस्ते कमला जी। नमस्ते। शहर से आए हैं तुम्हें देखने के लिए। अरे कमला सुन तो। शर्मा गई। कैसी लगी लड़की बेटा? बस वैसे ही, जैसे आप जैसे सज्जन की होनी चाहिए। सुंदर है, सुशील है, शर्मीली है। मुखिया जी, कमला मुझे पसंद है। अब आप उससे पूछ लीजिए कि मैं उसे पसंद हूं कि नहीं, तभी बात आगे बढ़ेगी, वरना। अरे उसे पूछने की क्या जरूरत है? अरे मैं बाप हूं उसका, जहां भेज दूंगा चली जाएगी। नहीं मुखिया जी, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। मेरी शादी के बारे में आपको उससे पूछना ही पड़ेगा। मुखिया जी, मैं अपने घर एक परिवार की शोभा, अपनी दुल्हन लेके जाना चाहता हूं। खूंटी से बंदी गाय को खोल कर नहीं ले जाना चाहता। अरे बेटा, तुम्हारे विचार तो बहुत ऊंचे हैं बेटा, बहुत पसंद आए तुम मुझे। मैं अभी कमला से भी पूछ लेता हूँ। बैठो बैठो, तुम लोग बैठो, चाय पानी भेज देता हूँ। ए शिव प्रसाद, कोई चाय भेज दे। पिताजी अपनी तसल्ली के लिए शहर गए। जगपाल और सुखबीर ने गांव के एक सीधे साधे इंसान को जो कुछ समझाया, दिखाया और बताया, उन्होंने उसे सच मान लिया। यहां तक कि सुखबीर को शगुन के तौर पर 101 रुपए देकर गांव लौट आए। अगले ही हफ्ते जब सुखबीर बारात लेकर गांव आया तो उसके साथ सिर्फ जगपाल था। तुम्हारे पिता को सुखबीर और जगपाल पर जरा भी शक नहीं हुआ? शक कैसे होता, सुखबीर और जगपाल ने मिलकर मेरे पिताजी को इतनी अच्छी तरह समझाया जो था। मुखिया जी, अब मैं आपको क्या बताऊं? सुखबीर ने जिस दिन अपने घर वालों को ये बात बताई कि वो गांव की गरीब लड़की से ब्याह रचाने जा रहा है, अरे उसके तो नाते रिश्तेदार उससे नाराज हो गए। हाँ, उन लोगों ने तो इसके लिए कुछ और सोचा था, इसके ब्याह का इंतजाम हो चुका था, मगर सब पानी भर गया। भगवान झूठ ना बोला है मुखिया जी, सुखबीर ने सब साफ साफ कह दिया। हाँ जी बाबू जी, मैंने सबको साफ साफ कह दिया कि मैं लड़की वालों को वचन देकर के आया हूं और मैं ये रिश्ता तोड़ नहीं सकता, क्योंकि लड़की ने मुझे पसंद किया है और मैंने लड़की को। और बाबूजी, जिसको मेरी शादी में आना हो आए, वरना मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। और बाबूजी, मैंने उनसे यह भी कह दिया है कि मुझे अपनी जिंदगी उस लड़की के साथ काटनी है, ना कि तुम्हारे साथ। बाबूजी, मैं तो यहां सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, ऐसा करके तुमने अपने वचन की ही लाज नहीं रखी, मेरे भी मान सम्मान की लाज रखी। सारा गांव जान चुका है कि मैं अपनी कमला का ब्याह तुमसे तय कर चुका हूं। अब अगर तुम ना आते तो मेरी लाश तो धूल मिट्टी में मिल ही जाती, मगर मेरे लिए उस गंडक नदी में कूदकर जान देने के सिवा और कोई चारा ही नहीं था। नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसा ना कहिए। और ये सब कुछ मैं अपने घर के दरवाजे की ओट में खड़े होकर सुन रही थी। उस वक्त सुखबीर मुझे देवता की तरह लग रहा था। मैंने तो मन ही मन में कहा था कि मैं सारी जिंदगी इस देवता के चरण धो धोकर पीऊंगी, लेकिन बाबूजी, मेरे मन में कुछ और था और विधाता को कुछ और ही मंजूर था। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा
विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुण प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं भुवेम। अब ये विवाह संपन्न हुआ, अब आप अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। जितिरा बाबूजी, दामाजी, मैं आपके हाथ अपना कलेजा काट के दे रहा हूं। हम पैसा कौड़ी से कमजोर जरूर है, मगर संस्कार और सेवा भक्ति में मेरी बेटी लाखों में एक है। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैं कमला का पूरा ध्यान रखूंगा। हाँ बेटा, हाँ जा बेटा। सुखबीर भैया, तुम इस गांव से कीमती हीरा लेकर जा रहे हो, इसका ख्याल रखना, ये हमारी बहन है। मुखिया जी, विदाई का मुहूर्त कब है? सुबह 6:30 बजे। इसका मतलब सुबह 9 बजे की ट्रेन हम लोगों को मिल सकती है। हाँ। अरे निर्मला बेटी, अपने जीजा और दीदी को जरा अंदर ले जाए, थके होंगे बेटी, इन्हें आराम की जरूरत है। कहाँ से थक गए होंगे बाबूजी, अग्नि के सामने साथ फेरे ही तो लिए हैं। वैसे भी जीजू के मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। चुप। अरे इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अकल बच्चों जैसी है, जो मुंह में आए सो कह देती है। चल जा, जो बोला गया सो कर। चलिए दीदी, चलिए जीजू। चलो जाने दो भैया। बाबूजी, जब भाग्य फूट जाता है ना तो सब कुछ बिगड़ जाता है। हम लोगों की शादी के बाद हम लोगों की विदाई हुई, हम लोग रेल स्टेशन पहुंचे तो पता चला रेलगाड़ी की टक्कर हो गई है। 24 घंटे तक कोई और गाड़ी नहीं थी। हम लोगों ने सोचा कि बस से जाएंगे। हम लोगों ने गंडक नदी पार की लेकिन उस जगह पहुंचते पहुंचते सांझ हो गई। बाबूजी, ये वही जगह थी जहां आप हमसे माधोपुर का रास्ता पूछने आए थे। अच्छा सुखबीर भाई, चलता हूं। अपना हिसाब किताब बाद में हो जाएगा। ठीक है ना, बोल मत जाना। अपना ख्याल रखना। अच्छा कमला, मुखिया जी से कुछ कहना है? हम अब कहना क्या, मैं जाके बता दूंगा उनको। अपना ख्याल रखना। चलता हूँ। राम राम। बैठिए। कुछ खाना है? भूख लगी? नहीं,
कुछ नहीं। लगता है बस आ गई। साहब आप तो यहां क्या कर रहा है? साहब वो शादी करके आ रहा हूं, ये मेरी पत्नी है। अबे जिंदगी भर तू लड़कियां सप्लाई करता रहा और आज तू शादी की बात कर रहा? अबे तूने कहीं सुहागरात तो नहीं मना ली? कैसी बातें करते हैं आप, अभी तो रास्ते में ही हूं। उसका भाव बोल भाव। अबे बोल क्या भाव है इसका? साहब वो नई नई है, शीशे में उतारे में थोड़ा वक्त तो लगेगा। अबे शर्मा क्यों रहा है, पहले भी तूने हमारे लिए लड़कियां सप्लाई की है, हम तेरे लिए कोई नई थोड़ी ना है। अबे पैसा मिलेगा, पैसा बोलना। साहब 1,00,000 रुपया। चल दिया, लड़की को तू गाड़ी में बिठा दे, हम इसे लेकर फार्म हाउस जाएंगे, तू बंगले पर आकर पैसे ले जाना। ठीक है साहब। जा बोलो कौन है? कमला, इन लोगों की वजह से मेरा ठेकेदारी का धंधा चल रहा है, अब अपना सफर आराम से कटेगा। बहुत किस्मत वाली हो है। आओ। कमला आपको सुनकर धक्का लग रहा है ना बाबूजी, लेकिन मुझे मुझे तो उस वक्त भी पता नहीं चला था कि जिस इंसान को मैं देवता मानती हूं, जिस इंसान के चरण धोकर मैं जिंदगी भर पीना चाहती थी, वही इंसान लड़कियों के जिस्म को बेचने का धंधा करता है। बाबूजी, सुना था शहर में जाकर लोग सुधर जाते हैं, तरक्की करते हैं, लेकिन ये पहली बार सुना था कि गांव की लड़कियों को जाकर शहर में बेचा जाता है, उनकी इज्जत का सौदा किया जाता है। बाबूजी, मैं इन सभी बातों से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन उन सब ने, उन सभी लोगों ने मुझे झूठी बातों में फुसलाकर अपनी गाड़ी में बिठा दिया और डाक बंगले की तरफ ले गए। आइए सब आइए। और रामदीन कैसा है? सलाम साहब, गुड 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 गुड। जा बैठ। साहब आपका फोन आते ही हम सब इंतजाम करके रख दिए थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। अच्छा रामदीन एक काम करो, तुम सबसे पहले खाने का इंतजाम करो। ये लो साहब, मैं अभी इंतजाम करके आता हूं। अरे आप लोग आइए ना, शर्मा क्यों रहे? आओ कमला, आइए। जी बंटी साहब। देखिए बगल में सोने का कमरा है, आराम से जाइए, खाइए पीजिए और आराम से सो जाइए, और सुबह शहर के लिए निकलते हैं। ठीक है, जाइए। आओ कमला। क्या चीज है यार। यार पहली बार कोई इतनी खूबसूरत लड़की मिली, आज तो पूरी रात ऐश करेंगे। अरे ये वाली तो अनटच्ड अनटच्ड। लेकिन यार ये दल्ले लोग कितने कमाल के होते हैं, गांव जाके शादी कर लेते हैं और शहर ले आते हैं अपनी दुल्हन को हम लोगों के साथ स्वागत मनाने के लिए। लेकिन यार सबसे पहले इसे छुएगा कौन? एक आइडिया, ऐसा करते हैं लॉटरी निकाल लेते हैं, जिसका नाम पहले आएगा वो पहले सुहागरात मनाएगा। बेस्ट आइडिया यार। डन डन डन, बिल्कुल डन।
अरे देख क्या रही हो, इसको रख लो, ये उन लोगों ने तुम्हारी मुंह दिखाई की रकम दी है। बाप रे बाप, मैंने इतने सारे रुपए पहले कभी नहीं देखे। अरे कमला ये तो कुछ भी नहीं है, तू बस मेरी बात को ध्यान से सुन और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करती जा, तो हम लोग शहर पहुँचने से पहले लखपति बन जाएंगे। बाबूजी आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आएगा समझ, मैं तेरे को सब कुछ समझा दूंगा। तू पहले इस मुंह दिखाए की रकम के लिए उनको धन्यवाद देकर के, और सुन बड़े लोग हैं, अगर खुश हो गए तो हम दोनों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन इन बड़े लोगों को धन्यवाद कैसे देते हैं मुझे नहीं पता। इसमें पते वते की बात कुछ नहीं होती है, तू बस उनके कमरे में जा और वो लोग जैसा कहते हैं वैसा करती जा। तो फिर आप भी मेरे साथ चलिए ना। अरे जाना, इतने पराए मर्दों के बीच में मैं अकेली कैसे जाऊंगी। मैं हूं ना, और सुन ये पैसा संदूक में रख दे और अच्छी तरह तैयार होकर के जा। हाँ। जा। बाबूजी हाँ अंदर आ जाओ, शर्माओ मत। बाबूजी वो मुंह दिखाई के आपने इतने सारे पैसे दे दिए। अभी तो कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे हम तुम्हें देखते जाएंगे तुम्हारा दाम बढ़ता जाएगा। क्या दाम कैसे बाबूजी, मैं तो लड़की हूं ना, कोई सामान तो नहीं हूं। सामान? अरे सुखबीर जैसे लोगों के घरवालियां तो बिकाऊ सामान ही होती हैं। जिसे तू अपनी मुंह दिखाई समझ रही है ना, वो तो तेरी कीमत का एक छोटा सा नजराना है। सुहाग रहता हूं तुम्हारे साथ ही मनाएंगे जानम। जी क्या कह रहे हैं आप, देखिए आप लोग बड़े लोग हैं, शरीफ लोग हैं, इतनी नीचा गिरी हुई बातें कैसे कर सकते हैं आप। अरे नीचा गिरी हुई बात, अरे नीचा गिरा हुआ तेरा सुखबीर है जो शहर में भी यही धंधा करता है। नहीं साहब, वो तो शहर में ठेकेदारी करते हैं। सही कहा तुमने, ठेकेदारी तो वो करता है लेकिन लड़कियों की, वो लड़कियों की दलाली का पैसा खाता है। अब तू हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। अरे पागल लड़की क्या कर रही है तू, अरे थोड़ी देर के लिए लाज का आंचल उतार करके फेंक दे, साहब लोग खुश हो जाएंगे, पूरे लाख रुपए मिल जाएंगे हमारे को। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ लेकिन अब कानों से मैंने सब कुछ सुन लिया है और आंखों से सब कुछ देख लिया है, सबको सच्चाई बता दूंगी मैं। तेरी तो चाप पकड़ से। चिंता मत करो बंटी साहब, कहां जाएगी भाग्य। जब गांव जाऊंगी ना
मैं उस जगपाल को ढूंढूंगी जिसने मुझे अपनी बहन माना था और जिसकी वजह से तुम्हारे साथ शादी हुई। और पिताजी को तुम लोगों की असलियत भी बता दूंगी। अरे अपने बाप को तो तब बताएगी जब तू जिंदा यहाँ से वापस आएगी। मैंने कहा कि मत पढ़ना, मैं पिताजी को तुम्हारी असलियत बता दूंगी। देखो आगे मत पढ़ना, मैंने कहा आगे मत पढ़ना। और इस तरह उस हत्यारे ने मुझे मार डाला। उसने उस झोपड़े में भी आग लगा दी जिसमें उसके पाप का सबूत भी जल गया। और वो उसी रात को रोता हुआ मेरे घर पहुंचा। ये क्या कह रहे हो आप दामाद जी? हाँ बाबूजी, कमला ने हमारे मुंह पे कालक पोती है। वो जिसके साथ भागी है वो उसका प्रेमी है। अब बाबूजी मैं क्या मुंह लेकर शहर वापस जाऊंगा? बाबूजी मेरे सगे संबंधी, मेरे रिश्तेदार जो मुझे शादी के लिए रोक रहे थे, मुझे बार बार मना कर रहे थे, वे सब के सब फंसेंगे मेरे ऊपर। बाबूजी मैं उनकी हंसी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं गंडक नदी में डूब के आत्महत्या करने जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं बाबूजी। रुक जाइए दामाद जी, इस तरह से हम आपको जाने नहीं देंगे। अब इस घर से आप दुल्हनिया को लेकर ही जाएंगे। मैं अपनी दूसरी बेटी निर्मला को आपसे ब्याह दूंगा। बाबूजी बस, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। कमला, ये सुखबीर तो बहुत कमीना निकला। बाबूजी, कमीना शब्द नहीं उसके लिए छोटा पड़ता है। हाँ, उसे तो उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। हाँ बाबूजी, उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। कमला, ये जगपाल कहाँ है? जगपाल? बाबूजी, कल मेरी बहन निर्मला की शादी है, जगपाल भी उस शादी में शरीक होने जरूर आएगा। तो ठीक है, कल मैं ठीक शादी से पहले पुलिस को लेके वहां पहुंच जाऊंगा और सुखबीर और जगपाल को ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि आज के बाद इस समाज में सुखबीर और जगपाल जैसा कोई पैदा नहीं होगा। हाँ बाबूजी, आप ऐसा जरूर करना ताकि इस पूरे गांव और समाज को सच्चाई का पता चल जाए। हाँ कमला, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा मैं। विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब लड़की को बुलाइए। कमला दीदी, मैं तो अब भी नहीं मानती, लेकिन क्या करूं, बाबूजी की इज्जत का सवाल जो है। निर्मला दीदी, निर्मला, तुम बाबूजी की इज्जत की बिल्कुल फिक्र मत करो, आज पूरे समाज को सच्चाई का पता चल जाएगा। दीदी, तुम अब तक कहाँ थी? निर्मला, मैं इसी का जवाब देने यहां आई हूं। ये सुखबीर है ना, इसी ने तुम्हारी दीदी को मार डाला है। निर्मला बेटी, निर्मला बेटी, पिताजी। बहुत सुंदर लग रही हो बेटी, चलो शादी का मुहूर्त निकलता जा रहा है, आओ।
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातरवायुः प्रातरश्वातर्भगं पूषणं ब्रह्मणः ये विवाह संपन्न हुआ, अब अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। जीती रहो बेटा। इज्जत तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है बेटी, अब जो कमला ने किया वो तुम मत करना। बाबूजी, कमला ने कुछ नहीं किया है, मैं खुद कमला हूँ। कमला? हाँ बाबूजी। कमला, तू तो अपना मुंह काला करके गई थी, अब क्या लेने आई है यहाँ पर? और ये आपका दामाद सुखबीर आपको सच्चाई के बारे में बताएगा। दामाद जी, बताइए सच्चाई क्या है, और एक लड़की जात से डरकर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? मैं बताती हूँ बाबूजी, वो पीछे इसलिए हट रहा है क्योंकि वो जानता है कि मैं जिंदा नहीं हूं। जानता है बाबूजी कि मैं कमला नहीं, कमला की आत्मा हूं। क्योंकि वो जानता है कि वही मेरा हत्यारा है। बोल बोल, ये सच है कि नहीं? बोल, ये सच है या नहीं? ये सच है। तो फिर ये भी सच सच बता दे कि तूने मेरी हत्या क्यों की? तू कौन है और क्या करता है? बताता हूं बाबूजी, मैं और जगपाल शहर में लड़कियों के जिस्म बेचने का धंधा करते हैं। तेरी शादी इसलिए नहीं कराई थी कि तू मुझे मारे, तो जगह इसलिए नहीं लाया था कि तू मुझे मारे। तू मुझे मार नहीं सकता,
मैं तेरा दूध हूं सुखबीर। नहीं नहीं सभी लोगों ने मेरी सच्चाई की कहानी सुन ली है। अब जगपाल तो मारा गया है, अब सुखबीर की बारी है। मुझे माफ कर दो कमला, कमला मुझे माफ कर दो। कमला हम जैसे लोग किसान फरोशी का धंधा करते हैं, हम लोग इतने कमीने होते हैं कि हमारे अंदर की लाज ममता मोह माया सब मर जाती है। हम लोग इंसान से जानवर बन जाते हैं। मुझे माफ कर दो कमला, कमला मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? जब तक इस समाज में एक भी जगपाल या सुखबीर जिंदा रहेगा, तब तक लड़की की इज्जत खतरे में रहेगी। तू माफी के काबिल नहीं है सुखबीर। नहीं, नहीं, नहीं। देख सुखबीर, ये वही सरिया है जिससे तुमने मुझे मारा था, मुझे लहूलुहान कर दिया था। देख, अब तेरी बारी है। आइए। ये बाबूजी, इस समाज को मेरी सच्चाई का पता चल गया है और कानून को सुखबीर के अपराध का पता चल गया है। जगपाल और सुखबीर को उनके किए की सजा मिल गई है और बाबूजी, आपके कारण मुझे मुक्ति मिल गई है। बाबूजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपका धन्यवाद किस तरह करूं।